जी हाँ, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी रुझानों के मुताबिक सरकार बनाने के काफी करीब है और मध्य प्रदेश में वो बीजेपी के साथ कड़ा मुकाबला कर रही है। ये नेक एंड नेक आप फाइटिंग्स को कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच। 2019 से पहले कांग्रेस की बड़ी जीत, दो राज्यों में कांग्रेस को बहुमत, एक राज्य में कड़ी टक्कर। राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लगभग तय, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। आज विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर। हिंदी हार्टलैंड ने राहुल गांधी पर भरोसा जताया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सत्ता विरोधी लहर, राजस्थान में वसुंधरा राजे से नाराजगी का असर। राजस्थान में 5 साल बाद जबकि छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस जीती, एमपी में टक्कर। 2019 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। सीएम के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान तय करेगी। वहीं सचिन पायलट ने कांग्रेस की जीत को राहुल गांधी के लिए तोहफा बताया। ये तमाम लोग इस रूप में शासन कर रहे हैं, उससे पूरा देश दुखी है। कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोल रहा है, कोई हिम्मत कर रहा है, कोई हिम्मत बाद में करेगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी जो माहौल बना है ये संकेत है आगे पार्लियामेंट चुनाव का भी। लोगों ने सिर्फ भाजपा को नेगेटिव वोट नहीं दिया है, लोगों ने कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, राहुल गांधी जी के रोड मैप को और राजस्थान के लिए हमारे क्या अगले 5 साल का मैनिफेस्टो है उसको पसंद किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा वोटिंग की है। हालांकि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की रेस में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबरी की टक्कर है। हालांकि तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस को झटका लगा है। मिजोरम में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की हार हुई है जबकि तेलंगाना में केसीआर को हटाकर सरकार बनाने का सपना टूट गया है।